जयपुर के इकोलॉजिकल जोन स्थित विजयपुरा में कौशल्या एनक्लेव में फिर काम शुरू हुआ। पूर्व में मुख्य नियंत्रक के निर्देशन में कार्रवाई हुई थी, अवैध कॉलोनी पर फिर काम शुरू होने पर अब मिलीभगत के संकेत मिल रहे हैं। अवैध विलाओं की खड़ी हुई श्रृंखला, किस तरीके से पनपती है अवैध कॉलोनी, न्यूज 21 जल्द इस पे बड़ा खुलासा करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र संवाददाता जो कि जयपुर से हैं, वो फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? अर्चिता जी, इस ये जो है विजयपुरा जो कॉलोनी है, 10 जोन में पड़ती है आगरा रोड पे, और इसमें पहले भी मुख्य नियंत्रण पूरी कार्रवाई कर चुका है जी। लेकिन ये बिल्डर और भूमाफियाओं की मिली भगती से इतना काम हो रहा है, जो नीचे के अधिकारी हैं बिल्कुल मिले हुए हैं, जो प्रवर्तन अधिकारी हैं वो जाते हैं अपनी सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते और फिर वहाँ काम चालू हो जाता है। वहाँ इजिकल जोन है, ना तो इसके पट्टे हैं, बैक गेट में पट्टे काट के दे रहे हैं, कुछ भी अलाउ नहीं है, ना तो जेडीए पट्टा इसका इश्यू हो सकता है, ये इजिकल जोन में आती है अर्चिता जी। बिल्कुल, और देखिए वापस से इस पे बनना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है धर्मेंद्र जी। अर्चिता जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इसके पीछे पूरे जेडीए के कहीं अधिकारियों का मिली भक्ति का पूरा हाथ है, और ये मिली भक्ति भूमाफियाओं से इनकी काट काट इतनी है। आप जाओ, जाते ही एक दिन थोड़ा बहुत एक बाउंड्री तोड़ जाएंगे, बाकी बाउंड्री वो सही हो जाएगी, उसके बाद फिर निर्माण चालू हो जाता है। फिर यहाँ से मैंने अगर इनकी शिकायत हो तो उसके शिकायतकर्ता को भी दबा दिया जाता है। तो इन्होंने इतनी सेटिंग कर रखी है, ये बहुत बड़े भूमाफिया है, इन्होंने इतनी कॉलोनियां काट रखी है, आप सोच ही नहीं सकते। धर्मेंद्र, तो इसका क्या कुछ कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वापस से काम शुरू होना, पहले इसको अवैध बता दिया जाता है कि अवैध निर्माण की तरह हो रहा है, लेकिन वापस से इसी जगह काम शुरू होना और जो मिलीभगत के आरोप लगातार लग रहे हैं, उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ, इसमें ऊपर से जेडीए के जो अधिकारी हैं 10 जोन के, ऊपर से लेकर नीचे तक, चपरासी से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं सब मिले हुए हैं। मेन इस इन कॉलोनियों में मेन जो प्रवर्तन अधिकारी है उसका ज्यादा रोल रहता है, वो जाके सर्वे करता है, शिकायत होती है तो सर्वे करता है, और उसके बाद वो जाते हैं अपनी फॉर्मेलिटी रोड में, एक नोटिस दे देते हैं, नोटिस के बाद छोटी सी जेबीसी भेज देते हैं, दौड़ा बोड़ी कर देते हैं, उसके बाद फिर काम, उन्होंने बोला हमने अपना काम कर दिया, उसके बाद फिर मिली भक्ति से इनका काम चालू हो जाता है। आप विजुअल में देखेंगे तो कितने अवैध विला बन चुके हैं, जिनका कुछ भी नहीं है, मतलब कोई वजूद भी नहीं है, ना इनके पास कोई नक्शा पास है, ना इनके पास 90A है, ना 90B है, बैक गेट के पट्टे हैं और लोग लेने वाले ले रहे हैं, इजिकल जोन को बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है बिल्कुल ही। और धर्मेंद्र, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं और देखिए जल्द ऐसा भी हम कह रहे हैं कि जल्द हम न्यूज 21 बड़ा इस पे खुलासा भी करेंगे, जिस तरह के अवैध निर्माण चलते हैं, आप क्योंकि ग्राउंड पे रहते हैं, आपको किस तरह के इसमें संकेत मिल रहे हैं कि किस तरह का अवैध निर्माण पूरा किया जा रहा है और कौन कौन इसमें मिली भगत में शामिल हो सकता है? मैं कहना चाहूंगा, अब है ना जेडीए में डीआईजी की पोस्ट भर दी गई है, जिसमें कैलाश राठौर जी बहुत अच्छे ईमानदार अफसर है, और उनके पास अभी जैसे आगरा रोड पे कम से कम 125 से 150 कॉलोनियां डिजिटल जोन में काटी जा रही है, तो सब पूरी कहते हैं डिजिटल जोन की जो भी है 10 जोन की डिजिटल जोन में जो कॉलोनियां काटी गई हैं उनकी सभी की शिकायत डीआईजी के पास पहुंच रही है एक एक करके, और हमारी भी टीम पूरी शिकायतों को लेके इनके पास डीआईजी के पास जाएगी, 1-to-1 करके इनसे बात करेगी और बकायदा प्रूफ के साथ इनको पेश करेगी। इतना अवैध निर्माण और इतना जो मतलब की स्वास्थ्य के लिए खत्म किया जा रहा है इजिकल जोन को लिए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अधिकारी और भूमाफिया मिलकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जयपुर के यानी कि पिंक सिटी के इकोलॉजिकल जोन स्थित विजयपुरा में कौशल्या एनक्लेव में फिर शुरू हो चुका है काम, और पहले की अगर बात करें तो मुख्य नियंत्रक के निर्देशन पर ये कार्रवाई की गई थी, अवैध कॉलोनी पर फिर से शुरू हो गया है काम, अब संकेत भी कई मिलीभगत के यहाँ पर मिल रहे हैं, अवैध विलाओं की श्रृंखला खड़ी हो गई है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अवैध कॉलोनियां हैं वो पनपती हैं, और इस पूरे मामले को लेकर जो धर्मेंद्र ने हमें जानकारी दी वो तो महत्वपूर्ण थी ही थी, लेकिन अब जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 21 जल्द बड़ा खुलासा करने वाला है।